आज हम लोग चलते हैं चाइना मोबाइल में, है ना, कीपैड वाले में। जैसा अपना डिफॉल्ट आता कि डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, ना चित्र आ रहा ना लाइट आ रहा है। तो सबसे पहले हमको इसमें ये चेक करना है कि लाइट का फॉल्ट है या टोटल डिस्प्ले बंद है। तो उसको लिए देखिए, पहले इसको ऑन करके देखते हैं हम। हमने ये लगा दिया, अब इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीसी पावर सप्लाई में तो ऑन दिखा रहा है ना। अब इस पर देखिए मोबाइल अपना ऑन हो गया। अब देखते हैं इसमें चित्र आ रहा है कि नहीं। तो इस पर पीछे लाइट मारो आप, इसके पीछे ले जाइए, ये देखिए आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे चित्र आ रहा है लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है ना। तो अब इसकी लाइट के प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे करें, तो पहले देखिए इसको पहले भी ऑफ करते हैं। तो पहले कॉपी में आपको दिखाते हैं, समझा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। इधर देखिए, ये देखिए ये अपना चाइना मोबाइल का हो गया। तो कुछ डिस्प्ले में क्या होता है, ये डिस्प्ले के पट्टी के ऊपर अपना एनोड कैथोड ऐसा लिखा होता है ना। तो हमेशा जो एनोड होता है ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ता है, और बाकी जो कैथोड है, इसमें हमारा 3 LED लगा हुआ है, ये हमारे पास कहाँ जाता है, CPIC से। मतलब हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से इसको क्या मिलता रहता है, डिस्प्ले LED को सप्लाई मिलता रहता है 3.7 volt। जब बटन को मोबाइल को ऑन करते हैं या कीपैड दबाते हैं तो CPIC से अब इसको माइनस वोल्ट मिलेगा, तब जाके डिस्प्ले में लाइट जलेगा, है ना। अब किसी में देखिए दिख रहा है एनोड है, बाकी कैथोड, लेकिन कुछ माल में, हाँ तो इसमें देखिए यहाँ दिख रहा है एनोड दिख रहा है, और ये बाकी क्या लिखा है, कैथोड लिखा है, एनोड वन कैथोड, एक एनोड है एक कैथोड वन और कैथोड टू यहाँ पे दे दिए, है ना। तो अब देखिए इस टाइप में बना हुआ है। अब इसको हमको क्या कर, हमको चेक कैसा करना है कि बैटरी की लाइन टूटा है कि CPIC की तरफ से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। तो इसके चेक करने के लिए क्या करेंगे, मीटर को, ये मीटर है, इसको पहले कंटिन्यूटी रेंज में रखिए, रख लिए मीटर का कोई भी एक प्रॉब को बैटरी के प्लस सिरे पे लगा लिए, रख लिए। अब इसके सभी पिनों पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं, मतलब मीटर पे बीप की आवाज आनी चाहिए, है ना। इधर भी देखिए, देख रहे हैं ना, कहीं बीप की आवाज आ रही है क्या, कहीं पे भी बीप की आवाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब बैटरी से प्लस लाइट प्लस सिरा तक की लाइन हमारा क्या है, टूट चुका है। सही में, यस सर। तो अब इसमें देखिए, मतलब बैटरी से यहाँ तक नहीं बता रहा, तो ये जो एनोड है, है ना, ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, इधर 1, 2, 3, ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर से आपका ये एनोड जो है टूट के जुड़ा हुआ। सही में, यस सर, रिपीट। हाँ ये देखिए एनोड लिखा है, है ना, ये लाइन जो हमको दिखेगा ये पट्टिक में एनोड लिखा होगा, सॉरी इसमें एनोड ये लिखा, ये एनोड है कैथोड, गलती से यहाँ पे लिख दिया ना, एनोड गलती से लिख दिया, लेकिन मेन यहाँ पे देखिए एनोड ये लिखा है, ये देखिए और ये कैथोड है। तो एनोड की लाइन ये यहाँ से होते हुए ये इसके पिन नंबर चौथा नंबर पर जा रहा है, ये इधर से 1, 2, 3 ये चौथा नंबर जी, ये हमारा बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है। तो देखिए इसके हम लोग चेक कर देखते हैं, अरे यार ये रख लीजिए, इसके पिन नंबर 4, ये देखिए 1, 2, 3 चौथा नंबर, ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है ना, और यहाँ से 4 नंबर तक बता रहा है क्या, इसका एनोड तक बता दे रहा है, बता रहे कि नहीं, देख लेते हैं।
यहाँ का भी पट्टी का भी लाइन टूटा हो सकता है। ये चौथा नंबर पर हमने रखे मीटर का प्रॉप को, दोनों देखिए रख लिए और यहाँ चेक करते हैं। ये बता रहा है? यस सर। बता रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारा क्या है, सही है, सही है ना। अब ये माइनस कैथोड वाला इसके बगल वाला है, ये देखिए बता रहा है, बता रहा ना कैथोड? यस सर। कैथोड हमारा बता रहा है, लेकिन एनोड वाला पॉइंट बैटरी के प्लस सिरे से नहीं बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमारा बता रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो उस पोजिशन को क्या करना पड़ेगा, बैटरी के प्लस सिरे से, ये बैटरी का प्लस है, यस, है ना, इसके प्लस सिरे से इसके एनोड वाला जो पिन नंबर चार है यहाँ से जम्पर मारेंगे। हाँ सर, पहचान का समझ में आया? यहाँ पे एनोड लिखा है, ये कैथोड लिखा है, तो एनोड की लाइन को मिलाएगा चार नंबर, तो ये वाला सिरा हमारा हो गया, है ना। तो इसको हम लोग जम्फर मार के पहले देख लेते हैं, है ना, मीटर हो गया। तो देखिए अब हम लोग इसका चार नंबर से जम्फर मारते हैं, ये चौथा नंबर पर ना जम्पर पड़ गया। अब इसको कहाँ मारना है, बैटरी के प्लस सिरे पे। प्लस सिरे पे चिमटी लेकर, चिमटी लेकर ये रखे, ये बैटरी के प्लस सिरे पर मैं चलते हैं, दिख रहा है, लग चुका है। है ना, तो ये हमारा यहाँ से इसके पिन नंबर चार तक मार लेते हैं। चलिए अब मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग लगाते हैं, प्लस हमने लगा दिया, अब माइनस को भी लगा दिया, हो गया। अब इसको हम ऑन करते हैं, तो चेक कर लेना, क्या बढ़िया, एक मिनट देखते हैं, पॉज करूँ क्या, एक मिनट इसको देख लेते हैं, जुड़ा एक नहीं देख, देख लेते, कंट्रोल टी में रखना है, जंपर सही नहीं पड़ा, चार एक पीढ़ी है, लूज है ये पट्टी अपना लूज पत्थरी बता रहा है यहाँ से। एक बार रिसोल्ड कर लेते हैं, देखिए जंपर तो मार दिया, लेकिन इसके चार नंबर का पॉइंट फसल लूज कर रहा है,
इसे दोबारा इसको थोड़ा रिसोल्व कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते चार नंबर से, ये बैटरी के प्लस ये पे रखे, मल्टीमीटर इधर यहाँ पे, ये कंट्री बता दिया, यहाँ भी बता दिया, और यहाँ मतलब पहले डिस्प्ले थोड़ा सा लूज कर रहा था, हो गया यस। हाँ अब चालू कर देखते, ये देखिए ये हमने लगाया, ये ऑन किया, ये आ गया, समझ में आएगी कि नहीं, मतलब इसके कैथोड से सॉरी बैटरी अपना बैटरी के प्लस रे से अपना डिस्प्ले का जो एनोड वाला पॉइंट था, जो डिस्प्ले लाइट है ये यहाँ की लाइन हमारा क्या था टूटा था, तो हमको इतना जम्फर मानना है। और अगर मान लो ये सही होता, ये भी लाइन हमारा क्या मिलता सही रहता, ये लाइन भी हमारा ये सही मिलता, हाँ बताता, लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आता, तो समझ जाएंगे सी पी आई सी की तरफ से मानक बोर्ड नहीं आ रहा, मतलब किस पोजिशन में ये सी पी आई सी क्या मानेंगे खराब हो गया, खराब हो गया है। तो चाइना वाले बैटरी से प्लस आता है डिस्प्ले के एनोड को, और सी पी आई सी से डिस्प्ले के लाइट के कैथोड को क्या आता है माइनस, माइनस वोल्ट मिलेगा, तभी आपका डिस्प्ले क्या होगा, चलो चलो आ गया ठीक।